दरअसल बरेला निवासी मीनाक्षी राणा ने बरेला थाना प्रभारी को लिखित शिकायत में बताया कि बीते दिनों स्वयं का मकान बनाने हेतु एजेंट संगीता के माध्यम से नैन्सी स्वामी व अनूप मिश्रा से बरेला में प्लॉट नंबर 345 जिसका कुल रकबा 3000 वर्ग फीट का था, उसका विक्रय अनुबंध 10,25,000 रुपए में दिसंबर 2014 को रजिस्टर नोटरी के माध्यम से कराया था। उस प्लॉट की अग्रिम राशि 5,50,000 की राशि में से 5,00,000 रुपए का SBI बैंक का चेक एवं 50,000 रुपए नगद दिए गए थे। नैन्सी स्वामी व अनूप मिश्रा ने रुपए लेने के बाद प्लॉट को 1 साल के अंदर विकसित कर रजिस्टर्ड करने का अनुबंध किया था, किंतु 1 वर्ष की अवधि के बाद भी दोनों के द्वारा विक्रय अनुबंध किए गए प्लॉट को विकसित नहीं किया गया। मीनाक्षी राणा ने जब प्लॉट को विकसित करने की बात कही तो दोनों के द्वारा उससे और 2,00,000 रुपए की मांग की गई। विश्वास न होने के कारण मीनाक्षी ने रुपए नहीं दिए। कुछ दिनों पहले मीनाक्षी ने 2014 से 2017 तक की अवधि में प्लॉट विकसित नहीं करने पर 5,50,000 रुपए की रकम बैंक ब्याज की दर से वापस मांगे, परंतु उनके द्वारा लगातार रकम वापस करने का झांसा दिया जा रहा था। फरवरी 2019 में दोनों ने अपने कार्यालय एकता मार्केट गौर में बुलाकर मीनाक्षी से एक सादे पेपर पर उससे लिखवाकर हस्ताक्षर कराकर कहा गया कि आपका विक्रय अनुबंध निरस्त कर दूसरे व्यक्ति को प्लाट विक्रय कर आपकी रकम को 2 माह में वापस कर रहे हैं। नैन्सी स्वामी व अनूप मिश्रा द्वारा जालसाजी कर विक्रय अनुबंध कर अनुबंधित प्लाट एवं उसके द्वारा किए गए 5,50,000 रुपए हड़पते हुए उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। महिला मीनाक्षी राणा ने आज बरेला थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद नैन्सी और अनूप मिश्रा के अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही थाना आधारताल और बेलबाग में भी सूदकोरों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ये मीनाक्षी राणा है, इनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी कि नैन्सी स्वामी और अनूप मिश्रा इन लोगों से उसने एक प्लाट नीमखेड़ा में खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने करीब 5.5 लाख रुपए उन्हें दे चुके थे। इसके बावजूद वो उनके नाम ना तो प्लाट दे रहे थे, ना ही उनके द्वारा वो पैसे वापस किए जा रहे थे। इसकी शिकायत पर कल एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है 420 धोखाधड़ी का, नैन्सी स्वामी और अनूप मिश्रा के खिलाफ। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।